खास तौर से जहां तक साहित्य की विधाओं का सवाल है, तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि साहित्य की हर एक विधा अच्छी है, लेकिन वो विधा सबसे अच्छी है जो कुछ रचनात्मक करे। तो इसीलिए मैंने अपने साहित्य में ये देखा है कि उसे रचनात्मकता का जामा किस तरह पहनाया जाए। तो हिंदी भाषा को लेकर भी और हिंदी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, उसको समाहित करते हुए यानी पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास करने वाला साहित्य ही मुझे अच्छा लगता है। और मैंने अपने साहित्य में इसे जहां तहां प्रयोग किया है कि भारतीय समाज को साहित्य का काम होना चाहिए जोड़ना, वह तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो समाज को जोड़े, इंसान को इंसान से जोड़े। क्योंकि एक कहा भी जाता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो वो साहित्य अच्छा साहित्य नहीं माना जाता जो कि समाज को बांटता है। तो मैंने साहित्य की उस विधा को अपनाया है जो समाज को जोड़ती है। सारा भारतीय साहित्य आप कहीं से भी देख लीजिए, चाहे वो भक्ति साहित्य है, चाहे वो दलित साहित्य है, चाहे वो नारी से केंद्रित साहित्य है, उसमें आपको भारतीयता मिलेगी। क्योंकि हर भारतीय के हृदय में भारतीयता पूरी तरह समाई है। हर एक भारतीय साहित्यकार का चिंतन एक जैसा है। कुछ साहित्यकार होते हैं जो कुछ स्वार्थों के आधार पर, कुछ राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर अपने साहित्य को बांटने वाला साहित्य बना देते हैं। वैसे साहित्य का मूल धर्म हमेशा स्नेह बांटना होता है, समाज को जोड़ना होता है, समाज का कल्याण करना होता है। श्वेत रक्षतये कहा जाता है साहित्य को, कांता सम्मितयो उपदेशयुजे श्वेत रक्षतये। यानी समाज जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि कल्याणकारी हो, और वह कल्याणकारी समाज बनता है साहित्य से। साहित्य जैसी धारा देता है उसी तरह साहित्य मुड़ता है। जिस तरह आप देखेंगे कि आजादी के दौर में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो एक दौर ऐसा चला कि वीरों की गाथाएं, वीरों की श्रेष्ठता और आजादी के लिए दीवानों को तैयार करने का काम साहित्य ने किया। एक उर्दू की शायरी है, मैं नाम भूल गया हूँ साहित्यकार जिन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा था, छिन गई कलमो दवा तो क्या हुआ, खूने जिगर में डुबो दी उंगलियां हमने। कहने का मतलब ये है कि साहित्यकार चाहे किसी भी भाषा का रहा हो, उस वक्त उसका साहित्य पूरा का पूरा केंद्रित हो गया था आजादी पाने के लिए, और वह साहित्यकारों ने कर दिखाया। इसी दौर में इससे पहले दौर में अगर हम चले तो भक्ति मार्ग में उस वक्त विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं आने लगी, अनेक आक्रमण होते गए, अनेक धार्मिक विडंबनाएं आने लगी। उस वक्त भी साहित्यकारों ने मिलजुल कर एक ऐसे साहित्य का निर्माण किया जिसमें की भारतीय आत्मा थी। इसीलिए हमारे साहित्य को जो भक्ति साहित्य है उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि साहित्य में भी वे भावनाएं भरना जो मनुष्य को जोड़ती हो, जो मनुष्य को एक दूसरे के साथ लाती हो, ऐसी भावनाओं का साहित्य ही अच्छा साहित्य माना जाता है। मेरी दृष्टि में तो साहित्य का उद्देश्य ये है, और मैंने अपने साहित्य को इसी तरह से केंद्रित किया है कि वह उपयोगी साहित्य हो, केवल पढ़ करके और भूलने लायक नहीं, या केवल पढ़ करके क्षणिक आनंद के लिए न हो, बल्कि वह आदमी की विचारधारा को बदलने में सक्षम हो, आदमी को किसी उद्देश्य तक पहुंचाने में सक्षम हो। इस प्रकार का साहित्य ही मैंने लिखा है, और मुझे यही साहित्य भी प्रिय है। अगर मेरे साहित्य से कुछ अच्छा होता है समाज का, राष्ट्र का, किसी व्यक्ति का, तो मुझे लगता है कि मेरा साहित्य लेखन सफल हुआ। यदि मेरे साहित्य से किसी का कुछ भला नहीं होता, तो मैं ऐसे साहित्य को केवल एक मनोरंजन का साधन ही कहूंगा, उससे अधिक कुछ नहीं। साहित्य तो निर्माण का कार्य है, साहित्य तो एक बहुत ऊंचा कार्य है, और साहित्य वहां पहुंचता है जहां सूरज भी नहीं पहुंचता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी वहां तक साहित्यकारों की नजर जाती है। तो साहित्यकार समाज की उन बुराइयों को देखें, उन बुराइयों को उजागर करें और उनको दूर करने के लिए रास्ता सुझाएं।
ऐसा नहीं कि खाली उसका विवेचन कर दिया और उसी में आनंद लिया और वहीं खत्म कर दिया, वह साहित्य उचित साहित्य मेरी दृष्टि में नहीं है। मेरी दृष्टि में तो साहित्य उचित वो है जो समाज की समस्या को उठाए और उसका समाधान भी दे, क्योंकि साहित्यकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे मार्गदर्शन करें, वे आगे नेतृत्व प्रदान करें, वे समाज को रास्ता दिखाएं। और हम मेरे साहित्य में आप यही पाएंगे कि मैंने समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया है, उन्हें एक रचनात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास किया है।